ग्वालियर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राम निवास रावत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए एमबीबीएस कोर्स में दीनदयाल और हेडगेवार की विचारधारा शामिल करने पर कहा कि आरएसएस अपनी फांसीवादी विचारधारा थोपना चाहती है। पूरे सिस्टम को बदल कर रख दिया गया है। बीजेपी के सहारे आरएसएस अपनी विचारधारा बढ़ाना चाहती है। उन्होंने कहा कि अगर दीनदयाल और हेडगेवार को शामिल कर रहे हैं तो गोडसे और सावरकर को भी शामिल किया जाए, जिससे लोग जान सके कि सावरकर ने कितनी बार अंग्रेजों से माफी मांगी और महात्मा गांधी का हत्यारा गोडसे हत्या के लिए रिवॉल्वर कहां से लाया था और उसका सहयोग किसने किया, यह सब भी बीजेपी बच्चों को बताए। देखिए, बाबा साहब अंबेडकर का योगदान इस देश के लिए रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, एक समाज को आगे ले लाने में काम किया, उन्होंने संविधान बनाने का काम किया। हेडगेवार और दीनदयाल उपाध्याय, मैं समझता हूँ कि इनको ना तो देश की आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने का इन्होंने काम किया, ना देश को कुछ देने का काम किया। ये किस तरह से आदर्श पुरुष हैं ये तो यही लोग जाने। अगर ये भी आदर्श पुरुष हैं तो ये लोग वीर सावरकर को भी मानते हैं। सावरकर की इन्होंने एमबीबीएस के कोर्स में इनको सम्मिलित कराने की बात कही है। चिकित्सा के क्षेत्र में ना तो हेडगेवार ने काम किया, ना ही दीनदयाल उपाध्याय के कोई योगदान रहा, ना ही देश के किसी भी क्षेत्र में इनका ऐसा योगदान रहा है। ये केवल इन्होंने आरएसएस को गठन करने का काम जरूर किया है, एक पार्टी बनाई जो बढ़ करके आज देश में इन्होंने सत्ता हासिल कर ली है। चूँकि अपनी ये विचारधारा सब जगह थोपना चाहते हैं, मैं तो ये चाहता हूँ कि ये उन लोगों को भी सम्मिलित करें।